सिंपली कह सकते हैं कि मेडिवल पीरियड का पर्शियन लिटरेचर उस समय के स्वभाव को रिफ़्लेक्ट करता है नो लेट सीधा आंसर पहले मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा बाद इसको में इसको इंग्लिश में रीडिंग इसके सारे लेंगे। मेडिवल पीरियड के लिए बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल हैं ये हमें रूलर्स और उनकी अचीवमेंट्स कल्चर लोगों की लाइफ और उस समय की इकॉनमी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जैसे तहकीक हिंद ये अलबरूनी द्वारा लिखी गई थी ये बुक हमें उस समय के मेडिवल इंडिया के हिंदूज़ के लिटरेचर रिलीजन और साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है तुगलकनामा आमिर खुसरो द्वारा लिखा गया था आमिर खुसरो को इंडो पर्शियन लिटरेचर का फ़ादर भी कहा जाता है ये बुक हमें सुल्तान की लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है आमिर खुसरो के दूसरे लिटरेरी वर्क्स जैसे लैला मजनू किरण उसदिन उस समय के रूलर्स और सोसाइटी के बारे में जानकारी देते हैं एंड अकबर नामा फजल द्वारा लिखा गया था इसमें उसने अकबर की लाइफ तथा उस समय की प्रमुख घटनाओं का ज़िक्र किया है इसका तीसरा वॉल्यूम एन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है इसमें अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन हाउसहोल्ड और आर्मी के बारे में लिखा गया है इससे हमें हिंदू फिलॉसफी और उस समय के सोशल कस्टम्स के बारे में भी जानकारी मिलती है तरीके फरोज़ शाही ये ज़ियाउद्दीन बरानी द्वारा लिखी गई थी इस बुक में उसने दिल्ली सल्तनत से फ़िरोज़ शाह तुगलक तक की हिस्ट्री लिखी है इस बुक में उसने इंडियन सुल्तान की इस्लाम के प्रति ड्यूटीज़ के बारे में भी लिखा है चचनामा मिडिवल पीरियड की सिंध की हिस्ट्री से रिलेटेड है नेक्स्ट इज़ तुस् तुज जहाहंगीरी ये मुगल एम्प्रर जहाँगीर की ऑटोबायोग्राफी है इसे इसे जहांगीर नामा भी कहा जाता है इस बुक से जहाँगीर के समय की हिस्ट्री और इवेंट्स की जानकारी मिलती है नेक्स्ट इज़ बादशाह नामा ये अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी ये बुक शाहजहाँ के रिजाइम के समय की हिस्ट्री और इवेंट्स की जानकारी देती है देखिए मेडिवल पीरियड का ज़्यादातर लिटरेचर मेनली पॉलिटिकल है मींस के उस समय के रूलर्स और उनकी लाइफ से संबंधित है और उनके उनके रूलर्स और उनसे संबंधित इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लेकिन फिर भी इस लिटरेचर को पढ़ने से हमें उस समय के कल्चर रिलीजन एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट साइंस और सोसाइटी का रिफ्लेक्शन मिलता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मेडिवल पीरियड के जो लिटरेरी सोर्सेज हैं ये उस समय की स्पिरिट या आत्मा को रिफ्लेक्ट करते हैं मैं इसके रीडिंग लूँगा इसकी लार्ज नंबर ऑफ परशियन लिटरेरी सोर्स आर अवेलेबल फॉर मेडिवल इंडिया दे गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट रूलर्स एंड देयर अचीवमेंट्स कल्चर लाइफ ऑफ पीपल एंड इकोनमी ऑफ दैट पीरियड दे की हिंद बाय अलबरूनी गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट लिटरेचर रेलिजन एंड साइंस ऑफ हिंदूज इन अर्ली मेडिवल इंडिया तुगुल रिटन बाय आमिर खुसरो फादर ऑफ इंडियन पर्शियन लिटरेचर gives information about life of sultan. his other works like Laila majnu, kiran us sadin are about rulers and society. akbar nama written by abul Fazal gives details about life and events during akbar's regime. its third volume called anay akbari is about administration, household and army of akbar. it also have information about hindu philosophy and social customs at that time. दरीके फिरोज शाही बाय जियाउद्दीन बरानी इज़ अबाउट हिस्ट्री ऑफ डेली सल्तनत अप टू फिरोज शाह तुगलक इन दिस बुक ही रोट अबाउट द ड्यूटीज ऑफ इंडियन सुल्तान टू इस्लाम चचनामा इज़ द मिडिवल पीरियड हिस्ट्री बुक ऑफ सिंध तुजके जहांगीरी इज़ द आटोबायोग्राफी ऑफ मुगल एम्प्रर जहांगीर इट इज़ आल्सो कॉल्ड जहांगीरनामा इन दिस बुक जहांगीर रोट अबाउट हिस्ट्री एंड इवेंट्स ऑफ हिस रूल Padsha Nama by Abdul Hamid Lahori is about life and events during regime of Mughal Emperor Shah Jahan. Most of Persian literature related to medieval India is mainly political, means providing information about rulers and their life. But still, while reading this literature, we get reflection of culture, religion, administration, art, science, and society of that period. So we can say that Persian literary sources of medieval India. Uh, reflect the spirit of the age. Thank you.